मुझे दिव्या व्हाट अबाउट यू। देखो भाई ईमान 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 देखो पहली बार मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, खुशी भी है, आई डोंट नो, मिक्स फीलिंग आ रही है। वो पहले आके बैठ गई जैसा हम बस में कर रहे थे ना। दिव्या ने इधर बैठना पड़ा, सो इट्स ओके शेखर भाई के लिए कुछ भी, क्योंकि आगे का जो अभी कुछ एक्सपेंस रहेगा ना खाने का वो पे करेगा। तो गाइज आज की व्लॉग की शुरुआत ना हो रही है कुछ ऐसी। सो हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो अभी ना मैं हूँ मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई, और मेरे साथ ना आज है दिव्या। दिव्या दिव्या विराज तो उधर चला गया, ये रही करिश्मा और ये रहा हमारा भाई शेखर भाई। बस एक ही आदमी मिसिंग है जो कि है सनी भाई। सनी भाई क्यों नहीं आया, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। क्या क्या बोला तूने? अभी ना टाइम बच गया है 8:45 और हमारा कुछ फ्लाइट का टाइम है 10 बजे, राइट? देखो भाई ईमान 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 देखो। तो अभी ना हम थोड़े इधर एयरपोर्ट पे घूम ही रहे थे क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो ये देख अभी आ रहा है इस साइड और एक यहाँ पर खड़ा है और मेरे सब दोस्त यहाँ पर हैं। दिव्या फिर से एक बार हेलो हेलो हेलो, इनको देखो दोनों को। तो अभी के लिए ना यहाँ पर प्लेन लगा है, शायद से विस्तारा का है और हमारा वाला प्लेन ना ये रहा इंडिगो। तो गाइस अभी ना जा रहे हैं प्लेन में और ये रहा मेरा दोस्त जीतू भाई। तो जीतू भाई ना यहाँ पर था तो सोचा कि उसको भी दिखा देते हैं। और अभी ना थोड़ा धीरे से धक धक हो रहा है, पहली बार है, हम सभी का फर्स्ट टाइम है, पहली बार मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे, खुशी भी है, आई डोंट नो, मिक्स फीलिंग आ रही है मुझे। दिव्या व्हाट अबाउट यू? दिव्या का भी पहली बार ही है, शेखर भाई का भी पहली बार, विराज तो पहले जा चुका है। तो यार चलते हैं अभी देखते हैं। शेखर कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। तो गाइस फाइनली हम ना आ चुके हैं और दिव्या को मिली है मेरे चुराई। ये सीट ना शेखर भाई और दिव्या ने ऐसे किया कि वो पहले आके बैठ गई जैसा हम बस में करते ना। दिव्या ने और ये रहा विराज भाई, करिश्मा डर लग रहा है भाई था। तो मेरा ऐसा सीन ना भी है कि मैं काफी डरा हुआ हूँ, क्या होता है इसको तो काफी हंसी आ रही है क्योंकि विंडो सीट मिल गया ना एक्साइटमेंट यार। गाइस प्लेन ले रहा है, खतरनाक स्पीड ले ली है। अभी हम करने वाले फ्लाई, तो आप ना बाहर का शॉट एंजॉय करिएगा। है वो उधर बैठी है तो धीरे
एक ही चीज का डर लग रहा है कि जब प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना तो थोड़ा डर लग रहा है, और बीच में ना थोड़ा क्लाइमेट की कंडीशन ठीक हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो रहा होता है, शादी में ऊपर आने के बाद थोड़ा दिखते हैं कब तक लैंड होता है। अभी पायलट ने बोला है कि आधे घंटे में लैंड होगी करके, सो या गाइस गुड एक्सपीरियंस। और अभी के लिए हो चुके हैं लैंड, और अभी ना ये बस लेकर हम अभी ना हमको ये बस लेकर जाएगी डायरेक्टली एयरपोर्ट, और लगता है कि बारिश तगड़ी वाली आने वाली है, तगड़ी वाली बारिश। ओह माय गॉड, ये बारिश देख रहे हैं। विराज ने कहा था कि यहाँ पर बारिश नहीं है, हम कुछ नहीं लेकर आए, छाता भी था, शूज डाल के आए होंगे, अभी हालत हो गई। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। तो ऐसा कुछ एयरपोर्ट है, हम ऑलमोस्ट बाहर जाने वाले हैं अभी यहाँ से। यहाँ से देखो पार्किंग लिखा है इधर, और ये राजशेखर, दिव्या, विराज, करिश्मा आगे चल रही है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। बाकी का सब ना विराज को भी पता है कि हम जा किधर रहे, तो या चलते हैं अभी। तो अभी के लिए ना विराज भाई ने की है उबर बुक। विराज अभी हम देखेंगे कि उबर स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं कि हमारी गाड़ी किधर है और फिर चलेंगे। तो गाइज फाइनली हमारी उबर आ चुकी है, और अभी ना हम फंस चुके हैं खतरनाक वाले ट्रैफिक में, ये देखना। और अभी के लिए ना हम जा रहे हैं दादर, और उधर से आगे का जो प्लान है वो विराज को ही पता है। एंड मेन थिंग अगर आप नोटिस करोगे ना, मैं बैठा हूँ सबसे लास्ट, और शेखर भाई ने हमारे सीट हथिया ली है। शेखर भाई पहले ही, ये ना बंदा पहले ही जाके बैठा था उधर, और लास्ट में मुझे इधर बैठना पड़ा। सो इट्स ओके शेखर भाई के लिए कुछ भी, क्योंकि आगे का जो अभी कुछ एक्सपेंस रहेगा ना खाने का, वो पे करेगा। तो अभी ना हंस रहा है वो, तो अभी देखते हैं ये ट्रैफिक कब तक खुलता है, और मिलते हैं आपको डायरेक्टली जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो लो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी दादर, और पहले करेंगे पेट पूजा, अभी जा रहे हैं अंदर कुछ खाते हैं। 3 hours later। तो गाइस अभी ना शाम के बज चुके हैं पौने सात मतलब 6:45, और दोपहर में जब हम खाना खाने के लिए गए थे ना, तब से बाद में कुछ छूट नहीं किया, क्योंकि जोरों की लगी थी भूख, उधर खाने पे डायरेक्टली टूट पड़े। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम गए थे रूम पे, और रूम पे अभी ना थोड़ा टाइम फ्रेश होके अभी आए हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट के वहाँ पर, जो कि है सिद्धिविनायक टेम्पल। ऑलमोस्ट ना हम पहुँच चुके हैं, और शायद से विराज बोल रहा है कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा है। तो अभी ना सब लोग आ गए, उनका ही वेट कर रहे थे, क्योंकि दिव्या ना काफ़ी पीछे रह गई थी, और शेखर भाई तो यहाँ पर लेंगे कुछ फूल बूल, और ना चलेंगे अंदर डायरेक्ट, लेते हैं भगवान का दर्शन, और मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी ना सब फूल बूल ले लिए, और अभी चलते हैं अंदर दर्शन लेते हैं, और आपको ना बाहर से ये देखो यहाँ से हो रहा है सिद्धिविनायक गणपति का दर्शन। तो अभी ना बच चुके हैं 8:35, और हम आ चुके हैं महालक्ष्मी टेम्पल। तो आज का हमारा दूसरा स्पॉट है, तो फिलहाल के लिए ना चलते हैं अंदर, काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो जल्दी से दर्शन लेंगे।
है मरीन ड्राइव और ये रहा जो सब मेंबर्स है हमारे, तो ये रहे। इस साइड में चल रही है गाड़ी और इस साइड में समुंदर। सब ना थोड़ा अपना मेंटल पीस के लिए इधर आते हैं, तो बस यही दिखाना था। हमने सोचा था ना कि हम कल भी आएंगे इधर, पर आज ही आ गए, क्योंकि जिस टेंपल में हम गए थे ना उधर से इधर ना सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर ऐसा कुछ था, तो आ गए अभी। और अभी ना टाइम बज गया है 9:30। तो भाई क्या सीन है इधर का, सीन क्या है? क्या सीन? बस हवाई चल रही है। हाँ बस हवाई चल रही है, इसका तो भूख लगी है। हाँ मेरे को भी ज़्यादा भूख लगी है। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम पे, और जो आपने लास्ट क्लिप देखी ना वो थी मरीन ड्राइव की। वहाँ पर ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी हवा चल रही थी, तो मेरा साउंड ना प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। तो या गाइज आज के दिन जो भी किया मुंबई आकर वो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये ना व्लॉग मैं कर रहा हूँ यही पे ख़त्म। और एक दिन हम मुंबई में हैं, तो कल जो भी करेंगे उसका एक अलग से आप व्लॉग आएगा। तो या गाइज दैट्स इट, तो ये ब्लॉग करते यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं मैंने ऐसे किसी अच्छे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।